आपको आगाह करें, वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे का मामला। टैरिफ में तब्दीली और फिक्स्ड चार्जेस की वजह से नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत कम से कम 1,541 रुपये मुकर्रर करने का फैसला, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड के लिए कीमत 199 से बढ़ाकर 645 रुपये मुकर्रर होने का प्लान बना लिया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमत 801 रुपये से बढ़ाकर 1,541 रुपये मुकर्रर की गई है। मस्कूरा गैस की कीमत मीटर रेंट और फिक्स्ड चार्जेस की बुनियाद पर मुकर्रर की गई है। 0.6 HM³ गैस इस्तेमाल करने पर बिल 1,251 से बढ़ाकर 2,445 किया जाएगा। 1 हेक्टामीटर³ गैस इस्तेमाल करने पर बिल 2,053 से बढ़ाकर 4,499 रुपये। 1.5 HM³ पर कीमत 8,127 रुपये। 2 HM³ गैस इस्तेमाल करने पर बिल 13,616 रुपये। 3 हेक्टामीटर³ गैस इस्तेमाल करने पर बिल 29,000 तक पहुंच जाएगा। 4,000 हेक्टामीटर³ गैस इस्तेमाल करने वालों का बिल 56,000, जबकि 4 HM³ से जायद गैस इस्तेमाल करने पर कीमत 71,000 रुपये हो जाएगी। दूसरी जानिब प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम कीमत 645 रुपये, जबकि ज्यादा से ज्यादा 1,357 रुपये मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक 0.9 हेक्टामीटर³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। 1 माह भी ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू हो जाए। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के लिए पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने ग्रेडिंग फार्मूला तय कर लिया। उम्मीदवारों को कम से कम 40% मार्क्स लेना होंगे। 40% से कम नंबर्स पर 0 ग्रेड मिलेगा, जिस पर बच्चों को फेल तसव्वुर किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए ग्रेडिंग फार्मूला तय कर लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 40% मुकर्रर किए गए हैं। 40% से कम नंबर वाले बच्चों का 0 ग्रेड होगा और उन्हें फेल तसव्वुर किया जाएगा। ग्रेडिंग फार्मूला के तहत पहले मरहले में सिर्फ 9वीं और 11वीं जमात का इम्तिहान लिया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत इम्तिहानात का आगाज साल 2024 से किया जाएगा। CGPA के 5 स्केल रखे जाएंगे। 95 से 100% नंबर्स पर 5 GPA मिलेगा और ग्रेड AA+ होगा। 90 से 94% नंबर्स पर 4.7 GPA मिलेगा और ग्रेड A+ होगा। 85 से 89% नंबर्स पर 4.3 GPA मिलेगा और ग्रेड A दिया जाएगा। 80 से 84% नंबर्स पर 4 GPA मिलेगा और ग्रेड BB होगा। 75 से 69% नंबर्स पर 3.7 GPA मिलेगा और ग्रेड B+ होगा। 70 से 74% नंबर्स पर 3.4 GPA और बी ग्रेड मिलेगा। तालीमी बोर्ड्स के लिए ग्रेडिंग फार्मूला जारी कर दिया गया। अभी आपको अपडेट करेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत का अवाम की सेहत के लिए बड़ा इकदाम। मुफ्त इलाज पर 4 अरब खर्च होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रकम जारी कर दी गई। हाई कोर्ट की इजाफी बिल्डिंग के लिए 12 करोड़ और नए कोर्ट रूम बनाने के लिए 70 करोड़ जारी। महकमा खजाना ने बजट जारी कर दिया है। तो निगरान पंजाब हुकूमत का आवाम की सेहत के लिए बड़ा इकदाम। मुफ्त इलाज पर 4 अरब खर्च होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रकम जारी। हाईकोर्ट ने इजाफी बिल्डिंग के लिए 12 करोड़, नए कोर्ट रूम बनाने के लिए 70 करोड़ जारी कर दिए। महकमा खजाना ने बजट इस हवाले से जारी कर दिया है। दूसरी जानिब दाता दरबार हॉल का एयर कंडीशन सिस्टम लगाने की मंजूरी। दरबार की तोसी के लिए मजीद 4 किनाल जगह खरीदने की मंजूरी और अंदरूनी तजीनों आराइश की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ने 364 मिलियन रुपए मंजूर कर लिए हैं। दाता दरबार हॉल का एयर कंडीशन सिस्टम लगाने की मंजूरी। दरबार की तोसी के लिए मजीद 4 किनाल जगह खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। अंदरूनी तजीनों आराइश भी की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ने 364 मिलियन रुपये इस हवाले से मंजूर कर लिए हैं। सार्फीन और बिजली कंपनियों के तनाज़ात से मुतालिक नेप्रा ट्रिब्यूनल की तश्कील नामुकम्मल। नेप्रा एपलेट ट्रिब्यूनल के ताहाल रूल्स बन सके ना ही मेंबर्स की तादाद पूरी हो सकी, ज़राए की जानिब से बताया गया है। मजीद तफसील जानते हैं इस हवाले से मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सार्फीन और बिजली की तकसीमकार कंपनियों के तनाज़ात के हल के लिए नेप्रा एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिया था और इसको तश्कील पाए तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हो गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक अभी तक ना तो इसके मेंबरान की तादाद पूरी हो सकी है और ना ही रूल्स बनाए जा सके हैं। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिद मुस्तकीम की सरबाही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त
अपीलेट ट्रिब्यूनल के मुतलका मामला की समाअत कर रहा है और रूल्स ना बनने के बहस से ये ट्रिब्यूनल अभी तक पंजाब या लाहौर ने इसने कोई विजिट नहीं किया। जरा ये बता रहे हैं कि एक तो इसका मेंबर फनाश है वो नहीं है, जबकि दूसरी तरफ रूल्स भी नहीं बने जिसकी वजह से जो बिजली के मुतलका जो मामला हैं ट्रिब्यूनल के उनमें इंतजामी मसायल पैदा हो रहे हैं। और इस हवाले से जरा ये कहना है कि रूल्स बनने के बाद ही ये अपने ट्रिब्यूनल लाहौर में। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। उधर रेस्को के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होने का मामला सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। अहवाल जानेंगे इजलास का शाहिद सप्ताह से। शाहिद सप्ताह बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अरबों रुपए की बिजली चोरी होने के मामले पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानब से आला सतह इजलास तलब किया गया है और इसमें रेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, इनके अलावा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एक्सीएंस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं इनको बुलाया गया। जो एजेंडा रखा गया है वो ये रखा गया है कि फीडर वाइज जो लॉसेज हैं उनको बताया जाए कि किस इलाके में किस फीडर पर कितनी बिजली चोरी हो रही है। दूसरी जानब ये भी कहा गया है कि वो ट्रांसफार्मर्स जहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी शरह ज्यादा है तो उस ट्रांसफार्मर की सलाहियत बताई जाए, वहाँ कितने कनेक्शन मौजूद हैं और कितने बिल दे रहे हैं और कितने लोग डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी कर रहे हैं। तो ये मामलात हैं, चंद दो माह से चूंकि कंपेन लॉन्च की गई थी तो उसमें बहुत सारे। शाहिद सप्ताह बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको बताएंगे मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत की शिरकत हुई। इजलास में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से शुरू करने का फैसला। इस हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग अपने बयानिए में महंगाई और मुआशी बहाली पर फोकस करेगी। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ये पहला इजलास हुआ है 4 साल के अरसे के बाद। इजलास में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने शिरकत की है। इजलास में इंतखाबी मुहिम जोर और शोर से शुरू करने का फैसला किया है और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग अपने बयानिए में महंगाई और मुआशी बहाली पर फोकस करेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, उनका क्या कहना था मुलाहजा कीजिए। जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये लोग बहुत मुदब्बिर, बहुत बसीरत रखने वाले, सियासी समझ बूझ रखने वाले, आवाम के लिए इन्होंने हमेशा खिदमत की है। ये अपनी सियासत में को पेटी बनाकर ये लोग उससे बियॉन्ड है और मेरे ख्याल में इसको इसी तरह देखना चाहिए जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की मुश्किल वक्त में सरबराही की और सारी जमातों को इकट्ठे लेकर चले। उसी तरह इत्तेहादी हुकूमत में चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो बाप की बलूचिस्तान की पार्टी हो, सब ने अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत में। मियाँ साहब अपना आज से उनका प्रोसेस मुलाकातों का शुरू हो गया, आज सियालकोट से भी एमपी एमएनए टिकट होल्डर्स आए हुए थे और अब आज से जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम, बिकॉज देखिए मियाँ साहब का अब जो एक कद है, सियासी कद है वो कह लें, एक जो उनकी बसीरत है, जो उनका तजर्बा है, जो उनका पूरा एक 3 दफ़ा उन्होंने इस मुल्क की सरबराही की है, मेरे ख्याल में वो उनके दिल में ये कौन सी जमात है कौन सी नहीं है वो बहुत बड़ा है, उनका दिल इस बात से बहुत आगे है। तो वो तमाम लोगों के साथ मिलकर, और आपने देखा होगा कि मिसाली इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है, मिसाली मिसाल नहीं बन मिलती कि इससे पहले कभी किसी इत्तेहादी हुकूमत ने अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करके किसी लड़ाई झगड़े से, मैं उन जमातों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनको भी क्रेडिट देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मुल्क के मसाइल ऐसे हैं। इसलिए कोई डील वील नहीं है, क्या नवाज शरीफ की किस्मत में लिखा है कि वो जिला वतनी काटेंगे? हम सब ने कैदें काटी हैं, कोई डील नहीं है, नवाज शरीफ ने वापस आना ही था। साबिक वफाकी वजीर ने भी इजलास के बाद ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू की है। 11-12 साल की यार जिला वतनी है, 3.5-4 साल की कैद है और क्या लेना इसमें से, क्या निकालना, और हम सब ने कैदें काटी हैं, क्या मिला किसी को? और मैं इस बात का ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो हमेशा उस वक्त लगाया जाता है जब हमें पसंद नहीं किया जाता तो फिर हर रकम दिया जाता है, ये इस मुल्क में हुआ है बार बार, इसलिए कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। जब वो गए थे वो शदीद बीमार थे और जब उनका वहाँ इलाज हुआ है, पिछले साल तक उनका ये
22 के एंड तक तो उनका ट्रीटमेंट बड़ा सीरियस होता रहा है, फिर डॉक्टर्स ने इस साल के मिड में उनको कहीं इजाज़त दिया कि अब आप ट्रैवल कर सकेंगे, तो हर चीज़ को वक्त लगता है। यहाँ बहुत सी मीटिंग्स की हैं, बहुत से मामला तय किए हैं और अब ये सिलसिला तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले भी ये कह चुकी है कि हम इंतखाबात के लिए हिमा वक्त तैयार हैं, लेकिन हम ये भी कहते रहे हैं कि सारे आइनी तकाजे पूरे होने चाहिए। जैसा कि मर्दों शुमारी की तौसीक कर दी थी तो उसके बाद हल्का बंदियाँ फितरी तौर पर होनी थी और ये कानून और आइन के मुताबिक, तो अब चूँकि इंतखाबात की तारीख आ गई है किसी तरह का कोई इबहाम बाकी नहीं है, तो हमारी जमात ने अपनी तैयारियां पूरी तरह शुरू कर दी हैं। आज का दौरा नवाज शरीफ साहब का और जो बाकी शहबाज शरीफ साहब का, और हम सब इसी सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए थे, कोई डील वील नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में यह लिखा हुआ है कि सारी ज़िंदगी वो जलावतनी काटेंगे, जलावतनी ख़त्म नहीं होनी, और अगर झूठे मुकदमात बनेंगे तो क्या उन मुकदमात ने कभी ख़त्म नहीं होना? आखिर कोई एंड होना चाहिए किसी चीज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी को आम इंतखाबात के फैसले के बाद सियासी जमातें मुतहरिक। नून लीग के लाहौर के उम्मीदवारों की कानूनी मशावरत के लिए लीगी वकला पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं और लाहौर में उम्मीदवारों की कानूनी सहूलत के लिए नून लीगी वकला पर मुश्तमल एक कमेटी तश्कील दी गई है और सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट में इसका पहला इजलास हुआ है। इसी वाले से हम बात करेंगे यहाँ पे राव शाहबुद्दीन से। राव शाहबुद्दीन, बताएं कि क्या मसायल आ सकते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, आपने भी इस इजलास में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रफाकत डोगर और नासर चौहान की क़यादत में वकला जो हमारे लाओ अफसर सबसे मिला हूँ और बड़ी अच्छी मशावरत हुई है, और यही हुई है कि जैसे हमारा MPMN जो कागज़ जमा कराएंगे उनमें जो भी मामलात होंगे ये हमारी टीम जो है मशावरती टीम है, उस काम करेगी। बात करते हैं रफाकत डोगर जो कि नून लाइफ फॉर्म के सदर हैं। जी डोगर साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्टी ने ये कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूट की है ज़िला लाहौर के लिए, जो MPMN हजरात को कागजात नामजदगी के हवाले से जो भी मुश्किल जो भी मसाइल दरपेश होंगे उनके हल के लिए, और ये कमेटी का आज पहला इजलास था। वो भी काफ़ी मुस्फीद हो गया आपसे। रफाकत डोगर हैं जो कि हर जो भी यहाँ पे केस होते थे नून लीग के और उनके वर्करों के या उनके लीडरशिप के, तो उस हर में ये शामिल हुआ करते थे, बड़े एक्टिव हैं, और आज भी जो इजलास हुआ उसमें भी काफ़ी मुतहरक नजर आए। तो इस वाले से उनका मजीद ये कहना था कि 8 फरवरी तक जितने भी जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा इंतखाबात का, तो उम्मीदवारों की कानूनी मशावरत वो बगैर फीस के वो अपना जुम्मा जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। जेलों में कैदियों को सर्दी से महफूज रखने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में कैदियों के लिए 5,000 कंबल मंगवा लिए गए हैं। हमारे साथ अली साही हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, सर्दियों का आगाज हो रहा है तो जेल हुकाम की जानिब से कैदियों को सर्दी से महफूज रखने के लिए कंबल मंगवाए गए हैं। पंजाब भर की जेलों में 15,000 के करीब कंबल की डिमांड है, जिसमें 5,000 मुखय्यर हजरात की जनब से भिजवा दिए गए हैं, जबकि मजीद 10,000 रवा माह में IG जेल ऑफिस में भिजवा दिए जाएंगे और डिमांड के मुताबिक तमाम जेलों में भिजवा दिए जाएंगे। गरीब कैदियों को हर साल नया कंबल फराहम किया जाता है, जबकि इस्तेदाद रखने वाले कैदी खुद अपना कंबल मंगवाते हैं। जब IG जेल खनाजात की जनब से डायरेक्शन दी गई है कि तमाम जो बैरिक्स हवादार हैं उनको शील्स लगाकर बंद किया जाए और जमीन पर सोने वाले कैदियों के लिए गंदे भी फराहम किए जाएं, तो इसी हवाले से इसी माह में तमाम जो सर्दी से महफूज रखने के इकदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया है। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। को बताएं, क्या कोई बाप माँ से दूध पीते बच्चे को छीन सकता है? गार्डियन जज की अदालत में बाप की जानिब से 2.5 माह का बच्चा छीनने पर कानूनी नुक्ता उठा दिया गया। तफसीलात जानते हैं इस केस पर शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, फैमिली अदालतों में घरेलू नाचाकी के केसों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर गार्डियन अदालतों में वालिद की तरफ से झूठे हल्फिया बयान लगाकर बच्चे को माँ से छीनने की जो है वो कोशिश की जा रही है। कानूनी नुक्ता यहाँ पर यह है कि जो दूध पीता बच्चा है 2.5 साल का, उसको बाप अपनी माँ से जुदा नहीं कर सकता। मज़ीद कानून क्या कहता है मेरे पास यहाँ पर मिर्ज़ा शौकत बेग एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम
सवाल से बात करते हैं। मिस्टर साहब, आप ये बताइएगा कि बच्चा माँ कितने अरसे तक अपने पास रख सकती है, बाप कितने अरसे तक ले सकता है, ये इस हवाले से बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जो हमारे अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जितने भी आर्डर्स हैं वो वाजिया हैं कि बच्चा जो 7 साल तक वालदा के पास रहेगा और बच्ची जो है बालग होने तक वालदा के पास रहेगी। 7 साल तक जब बच्चा जो है वालदा के पास रहेगा तो वालद उसके खर्चा उठाने का जिम्मेदार है, क्योंकि उसका वालद है, नेचुरल गार्डियन है। और इसी तरह अगर बच्ची है वो बालग होने तक वालदा के पास रहेगी। जो बाप है वो कब तक अपने बच्चे को माँ से ले सकता है? वो ये जी कि 7 साल तक तो नेचुरली वो बच्चा जो है वालदा के पास रहेगा, क्योंकि बच्चे में ये वाजिया होता है कि अगर बच्ची जो जवान हो जाती है तो उसको ये हक हासिल है वालद को, कोर्ट में ये जाकर कह सकता है क्योंकि ये अननोन है, बच्ची मेरी इसके पास नहीं रह सकती, तो फिर कोर्ट जो फैसला चाहे कर सकती है। तो इसमें बच्चे के साथ तो ये ज़रूरी है कि बच्चा 7 साल तक बच्चा जो है वालदा के ही पास रहेगा। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू नारकली बाजार में मोटरसाइकिल की गैरकानूनी पार्किंग मामूल बन गया। बाजार का निसफ हिस्सा पार्किंग की नजर हो गया। राहगीरों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सा सज्जाद से। अक्सा, बताइए क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त न्यू नारकली में मौजूद हूँ जहाँ पर शदीद तजावजात की भरमार पहले तो थी ही, अब बिल्कुल जो है पार्किंग का नाकस निज़ाम देखने में भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है लोगों ने बिल्कुल गैरकानूनी पार्किंग जो है मोटरसाइकिल की बिल्कुल जो है नारकली बाज़ार के बीच में तमाम बाइक्स लगा रखी हैं। दुकानदार जो है यहाँ पर अपनी दुकानों के सामने बिल्कुल जो है तमाम अपनी बाइक्स जो है पार्क कर देते हैं, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर गाड़ियाँ घंटे घंटे रुक जाती हैं और जो पैदल सवार होते हैं, पैदल शहरी होते हैं, उनको भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनका हमारे शहरियों का इस हवाले से कहना था कि हमने इस हवाले से काफ़ी बार यहाँ पर दरख्वास्त भी जमा करवाई है, लेकिन यहाँ से पार्किंग का निज़ाम दुरुस्त नहीं किया गया। यहाँ पर नो पार्किंग का टैग भी लगाया गया है ताकि यहाँ पर पार्किंग ना की जाए, इसके होने के बावजूद यहाँ पर पार्किंग की जाती है। शहरियों के इस हवाले से मुतालबा किया है कि यहाँ पर इस पार्किंग के निज़ाम को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि अगर वो यहाँ पर कुछ खरीदारी करने के लिए आते हैं तो वो आसानी से बासानी यहाँ पर खरीदारी भी कर सके, उनके मसाइल भी कम हो सके। अक्सर आपका बहुत शुक्रिया।